Hi dear students, welcome to BioCatalyst Life Science Academy. Today we will discuss the NEET Biology 2024 important questions and answers from chapter Molecular Basis of Inheritance. So question number 1, match list 1 with list 2nd. Lac operon ke upar ek question hai. List 1 mein yahan par genes diye hai. Lac का I जीन विच इज रेगुलेटरी जीन एनकोड्स रिप्रेसर प्रोटीन को एनकोड करता है, इसका हो गया 3rd. लैक जड़ जीन एनकोड्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, या इसका हो गया 1st. वाई जीन एनकोड्स परमीएज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द लैक्टोज मॉलिक्यूल. एंड ए जीन एनकोड्स ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम. तो देखो कहाँ पर मैच होता है, ए का 3rd यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. बी का 1st यहाँ पर है, सी का 2nd यहाँ पर, डी का 4 यहाँ पर. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4. सेकंड, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2nd. एंजाइम्स दिए हैं यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 1st, 2nd, 3rd और डीएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज 1st काम करता है फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए जीन्स, इसका हो गया 2nd. आरएनए पॉलीमरेज 2nd ट्रांसक्राइब द मैसेंजर आरएनए, इसका हो गया 3rd. आरएनए पॉलीमरेज 3rd ट्रांसक्राइब्स टी आरएनए, इसका हो गया 4. और डीएनए पॉलीमरेज काम करता है फॉर डीएनए रिप्लिकेशन. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन देखो क्या है, ए का 2nd यहाँ पर है, बी का 3rd यहाँ पर, सी का 4 और डी का 1st. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2nd. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयरिंग, इनमें से इनकरेक्ट पेयरिंग क्या है. तो 1st ऑप्शन क्या है, सिकल सेल एनीमिया ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, यस, जो कि गैग रिप्लेस होता है गूक से, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वैलिन से, सही है. अडाप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए जो कि अमीनो एसिड को लेकर आता है फॉर ट्रांसलेशन. इनिशिएटर कोडॉन एयूजी, यस, जो कि मिथियोनिन अमीनो एसिड को कोड करता है. स्टॉप कोडॉन एयूजी, स्टॉप कोडॉन एयूजी नहीं है, स्टॉप कोडॉन होते हैं यूएए, यूएजी और यूजीए, दीज आर द स्टॉप कोडॉन्स. तो इनकरेक्ट यहां पर है ऑप्शन 4. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन जेनेटिक कोड. 1 कोडॉन कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड, यस. फॉर एग्जाम्पल एयूजी एक कोडॉन है तो एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, सही है. सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन, यस, मोर देन 1 कोडॉन भी हो सकते हैं किसी अमीनो एसिड के. द कोडॉन इज रीड इन एमआरएनए इज इन अ कंटिन्यूअस फैशन, यस, 5' to 3' continuously codon को read किया जाता है. AUG codes for methionine amino acid and it also acts as initiator codon. Yes, initiator codon भी होता है AUG. Choose the correct answer from the options given below. तो इनमें से कौन कौन से सही है, ये भी correct है, ये भी है और चारों भी correct है. तो इनमें से correct option है option number 4. नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज. तो जो स्पेसिफिक रीजन है डीएनए सीक्वेंस में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर रिपीटेटिव डीएनए को यूज किया जाता है. सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी नहीं यूज किए जाते, पॉलीमॉर्फिक डीएनए भी नहीं है, सैटेलाइट डीएनए भी नहीं है, इसका है रिपीटेटिव डीएनए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अब्सेंट इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यानी कि डीएनए एज अ टेम्पलेट यूज करके जहां पर आरएनए बनता है तो क्या अब्सेंट होता है. प्रमोटर, यस,
प्रमोटर जो कि वापर आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है, टर्मिनेटर जो कि टर्मिनेटर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं फॉर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट, रिप्लिकेशन फोर्क, रिप्लिकेशन फोर्क ये डीएनए का रिप्लिकेशन करने के लिए होता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन में कोई काम नहीं है। स्ट्रक्चरल जीन, यह स्ट्रक्चरल जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं फॉर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो यहाँ पर अब्सेंट होता है रिप्लिकेशन फोर्क, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसका आंसर है। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट, यूकेरियोटिक्स के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो क्या काम करता है, ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए, यस 5S आरआरएनए एंड एसएनआरएनए। तो जो पॉलीमरेज होते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड वो रेस्पेक्टिवली ट्रांसक्राइब्स करते हैं आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। ट्रांसक्राइब्स प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए ये नहीं है, ट्रांसक्राइब्स ओनली एसएनआरएनए, ओनली एसएन नहीं है टीआरएनए को भी करता है, ट्रांसक्राइब्स आरआरएनए 28S 18S एंड 5.8S ये नहीं करता। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने का, इलोंगेशन करने का और टर्मिनेशन करने का काम कौन सा एंजाइम करता है, डीएनए लाइगेज ये नहीं है, दो डीएनए फ्रेगमेंट को लाइगेट करने का काम करता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यस डीएनए एंजाइम ये भी नहीं है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये नहीं है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following RNAs is not required for the synthesis of protein? Synthesis of protein, यानी कि translation process में इन में से क्या नहीं चाहिए होता है? tRNA चाहिए होता है amino acid को लाने के लिए, rRNA ribosomal assembly के लिए, siRNA कोई जरूरत नहीं होती है, mRNA as a template, तो यहाँ पर क्या नहीं चाहिए? siRNA नहीं चाहिए। स्टेटमेंट दिए है यहाँ पर, स्टेटमेंट वन द कोडॉन एयूजी कोड्स फॉर मिथियोनिन एंड फिनाइल एलेनिन, एयूजी सिर्फ मिथियोनिन को ही कोड करता है, फिनाइल एलेनिन को नहीं कोड करता। स्टेटमेंट सेकंड एएए एंड एएजी बोथ कोडॉन्स कोड फॉर द अमीनो एसिड लाइसिन, यस अमीनो एसिड जो लाइसिन है उसके लिए ये दोनों भी कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड क्या है वो करेक्ट है, तो देखो क्या पर यहाँ पर कौन सा मैच होता है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। Which one of the following statement about histones is wrong? Histone के बारे में यहाँ पर wrong क्या है? The pH of histones is slightly acidic. तो ये acidic नहीं होता. Histones are rich in amino acids lysine and arginine. तो basic amino acid जो है lysine, arginine और histidine इसमें पाए जाते हैं. ये सही है. Histones carry positive charge in the side chain. Yes, positively charged amino acids होते हैं. Histones are organized to form a unit of 8 molecules. उसको हम बोलते हैं octamer. ये भी सही है. तो यहाँ पर wrong है option number first. Complete the flow chart on central dogma. यहाँ पर जो ए बी सी और डी दिए हैं हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। ए क्या है, ये जो ये यहाँ पर प्रोसेस दिया है कि डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीएनए क्या कर रहा है, वो रिप्लिकेट कर रहा है। डीएनए टू एमआरएनए यहाँ पर ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि यहाँ पर आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है और एमआरएनए से डी बन रहा है, जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस, और ट्रांसलेशन से क्या बनता है,
प्रोटीन और एंजाइम। तो देखो कहां पर करेक्ट है, यहां पर ए रिप्लिकेशन होना चाहिए, बी यहां पर ट्रांसक्रिप्शन, सी ट्रांसलेशन प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस और फाइनली प्रोटीन बनेगा। ऑप्शन करेक्ट है सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट क्या है? ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन थ्रू थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यस, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, सही है। एडेनिन पेयर्स विद थायमिन थ्रू वन हाइड्रोजन बॉन्ड, वन नहीं यहां पर डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एडेनिन पेयर्स विद थायमिन थ्रू थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन नहीं यहां पर दो ही होते हैं। ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन थ्रू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, टू नहीं यहां पर तीन होते हैं। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में कौन सा एंजाइम जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको ट्रांसक्रिप्शन हेलिक्स में इस तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड यहां पर बनाता है एंजाइम। डीएनए लाइगेज नहीं है, दो डीएनए फ्रेगमेंट को लाइगेट करता है। डीएनए हेलिकेज ये भी नहीं है, ये रिप्लिकेशन में काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज ये डीएनए रिप्लिकेशन में काम करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज ये यहाँ पर काम करता है कि ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसकी फर्स्ट फेज क्या है? बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम ये नहीं है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ये भी नहीं है। ट्रांसलेशन में डीएनए मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज करने का क्या रोल है? अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जो टीआरएनए मॉलिक्यूल होता है उस टीआरएनए मॉलिक्यूल को इसके ऊपर अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है बाय अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीकोडॉन, तो टीआरएनए और जो मैसेंजर आरएनए का कोडॉन है ये यहां पर रिकॉग्नाइज करते हैं, बट ये उसके बाद का स्टेप है अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो यहां पर फर्स्ट फेज है अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ऑप्शन थर्ड। प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर, जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स है डीएनए और आरएनए में दोनों में भी कौन से पाए जाते हैं? साइटोसिन एंड थायमिन, ये प्यूरिन्स नहीं है, ये पिरिमिडिन्स है। एडेनिन एंड थायमिन ये भी नहीं है। एडेनिन एंड ग्वानिन दोनों भी प्यूरिन्स है जो कि डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। ग्वानिन एंड साइटोसिन ये भी नहीं है। तो आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं वो थे ए यू जी सी और डीएनए में ए टी जी सी, ये याद रखो। ऑप्शन करेक्ट है यहां पर थर्ड। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग मैसेंजर आरएनए। तो जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम यहां पर सीक्वेंस दिया है इनमें से क्या करने के बाद रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगी? डिलीशन ऑफ जी जी यू फ्रॉम 7th, 8th एंड 9th पोजीशंस। 7th, 8th यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो सीक्वेंस है डिलीट कर दो। इंसर्शन ऑफ जी एट 5th पोजीशन, ये जी अगर डिलीट किया तो कंप्लीट रीडिंग फ्रेम अल्टर हो जाएगी और चेंज होगी। डिलीशन ऑफ जी फ्रॉम 5th पोजीशन, ये अगर यहां पर डिलीट किया या इंसर्ट किया तो भी रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगी। इंसर्शन ऑफ ए एंड जी एट 4th एंड 5th पोजीशंस रेस्पेक्टिवली, दो न्यूक्लियोटाइड को अगर इंसर्ट किया तो भी रीडिंग फ्रेम क्या हो जाएगी? कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। अगर एक कोडॉन यहां पर डिलीट किया जाता है दैट इज जी जी यू, तो रीडिंग फ्रेम के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ये जो अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट होगा इसकी वजह से प्रोटीन में सिर्फ यही अमीनो एसिड यहां पर क्या नहीं होगा, इनकॉर्पोरेट नहीं होगा, बाकी रीडिंग फ्रेम यहां पर क्या रहेगी?
सेम रहेगी, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर हम ह्यूमन इंसुलिन किसकी वजह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जेनेटिक कोड इज स्पेसिफिक, ये इसके करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जेनेटिक कोड इज नॉट एम्बिजियस, ये भी नहीं है। जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट, ये भी नहीं है। जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर, यूकैरियोटिक सेल प्लांट के अंदर, यूकैरियोटिक सेल एनिमल के अंदर, सभी में जेनेटिक कोड नियरली कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। उसकी वजह से ही हम ह्यूमन का जो इंसुलिन है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन यहां पर करेक्ट है फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लैक ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन कंसिस्ट्स ऑफ वन रेगुलेटरी आई जीन। यस, रेगुलेटरी एक ही जीन होता है, वो होता है लैक आई जीन। लैक ओपेरॉन कंसिस्ट्स ऑफ थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स झेड वाई एंड ए। यस, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स, सही है। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ लैक ओपेरॉन, तो जो लैक ओपेरॉन है यहां पर समझो ऑपरेटर रीजन है, तो रिप्रेसर प्रोटीन इसी ऑपरेटर रीजन में जाकर बाइंड होता है, सही है। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज के साथ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं होता, तो रिप्रेसर प्रोटीन डायरेक्टली ऑपरेटर रीजन में जाकर बाइंड होता है, तो यहां पर इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर फोर। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड डीएनए रिप्लिकेशन, जो कि डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कॉन्जर्वेटिव मॉडल है, यहां पर ऑप्शन है थर्ड। हर्षे चार्ज एक्सपेरिमेंट, जो कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, इसके बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर इसका फोर, इसका थर्ड। डीएनए स्प्लाइसिंग, जो कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स को कहा जाता है, इसका है फर्स्ट। जैकब एंड मोनार्ड, जिन्होंने डिस्कवर किया था लैक ओपेरॉन, तो देखो मैच कहां पर होता है, एक का थर्ड यहां पर भी है, यहां पर भी है। हर्षे चार्ज एक्सपेरिमेंट इसका फोर, यहां पर है। आरएनए स्प्लाइसिंग सी का फर्स्ट यहां पर है, और डी का सेकंड यहां पर, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कोई पीडीएफ डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन फॉलो कर लो, यहां पर लिंक दिया है, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है नीट 2024 के इंपॉर्टेंट वीडियोज के लिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।